हाल ही में सुर्खियों में आए कन्हैया लाल उर्फ कान्हा हत्याकांड और न्याय की गुहार लगाने रविवार को उमड़े आदिवासी जन सैलाब के बाद सिंगोली क्षेत्र गुर्जर आंदोलन की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। वहीं सोशल मीडिया पर विश्वास करें तो कान्हा भील हत्याकांड के बदले आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद उनके मकान पर की गई ताबड़तोड़ कार्यवाही से गुर्जर समाज में आक्रोश है। इसी कार्यवाही को लेकर गुर्जर समाज भी अब धीरे धीरे लामबंद हो रहा है। जानकारी के अनुसार गुर्जर समाज का कहना है कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करना जायज है, लेकिन इस तरीके से ताबड़तोड़ कार्यवाही कर मकान तोड़ना ठीक नहीं है। समाज का मानना है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मकान तोड़े जाने के सरकारी फैसले को लेकर गुर्जर समाज में नाराजगी है और वह न्याय के साथ ही क्षतिपूर्ति की भरपाई के लिए नीमच जिले में आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहा है। इसी को लेकर गुर्जर समाज द्वारा सोमवार को सोशल मीडिया पर एक सूचना पत्र प्रसारित किया गया है, जिसमें आदिवासी व्यक्ति की हत्या में चार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सरकार द्वारा आरोपियों के मकान तोड़ना गलत बताया है। सूचना पत्र में मकान क्षतिपूर्ति की मांग को लेकर ज्ञापन देने और प्रदर्शन रणनीति तैयार करने के लिए रतनगढ़ स्थित कांटिया बालाजी में 8 सितंबर बुधवार को एक बैठक रखी है। बैठक किस संगठन द्वारा प्रायोजित है, इस बात की सूचना पत्र में कोई खुलासा नहीं है। गौरतलब है कि नीमच 26 अगस्त को सुबह करीब 6 बजे आरोपी छीतरमल गुर्जर, जिसने कन्हैया लाल भील को बाइक से टक्कर मार दी थी, इस दौरान छीतरमल की बाइक पर लदा दूध नीचे गिर गया था। टक्कर लगने पर कन्हैया लाल भील ने पत्थर उठा लिया। इस पर छीतरमल ने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया और कन्हैया लाल भील के साथ मारपीट की। इसी दौरान सड़क से एक पिकअप गाड़ी निकली, इसमें रस्सी बंधी थी। आरोपियों ने कन्हैया लाल भील के पैर बांधकर पिकअप से उसे 100 मीटर से ज्यादा दूर तक घसीटा। पुलिस ने आरोपी छीतरमल पिता जयराम गुर्जर निवासी ग्राम पाटन, महेंद्र पिता रामचंद्र गुर्जर निवासी जेतलिया, गोपाल पिता लालू गुर्जर निवासी पाटन, लोकेश पिता नारायण बलाई आयत निवासी सिंगोली, लक्ष्मण पिता जयराम गुर्जर निवासी ग्राम पाटन, इनके पास से एक बाइक, कार और पिकअप वाहन और रस्सी बरामद कर ली है। पुलिस अब आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही करेगी।